तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एप्लीकेशंस ने 12GB लिया है, डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ मेरा 589GB का डॉक्यूमेंट्स है पूरा, ये सब मिला के टोटल 618.89GB डेटा है मेरा है, लेकिन फिर भी यूज जो कर रहा है वो सिर्फ 350GB कर रहा है। और वो इसके वजह से क्योंकि जब मैं मैकबुक खरीदने जा रहा था तो मैंने गूगल भाई साहब से पूछा, यूट्यूब बहन से भी पूछा और यहाँ तक कि एप्पल अंकल को भी पूछा, लेकिन तीनों के पास जवाब नहीं था। इवन 128GB की ऑफ कोर्स माइनस द सिस्टम फाइल का स्टोरेज वापस आपको अपने लैपटॉप में डालनी है एंड अगेन उसको भी अपलोड करना है। तो दोस्तों अगर आप मैकबुक खरीदने का सोच रहे हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि 128GB का मैक खरीदो और 2TB का खरीदो तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है, बेसिकली उतने में आपका एक नया लैपटॉप आ जाएगा, क्योंकि 2TB और 128GB में ऑलमोस्ट 100,000 का डिफरेंस हो जा रहा है अगर आप 2TB का ले कम्पेयर टू 128GB, उतने में तो एक नया लैपटॉप आ जाएगा आपका। लेकिन वॉट इफ आपकी जो टोटल डेटा है आपके लैपटॉप में वो इटसेल्फ 128GB से ज्यादा है, तो क्या फिर भी आपको 128GB लेना चाहिए या आपको ज्यादा GB वाला मैक लेना चाहिए? तो दोस्तों मैं एडवाइस ये करूंगा कि आपका 100,000 बचाओ, इतना ज्यादा स्पेस वाला मैक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन भैया फिर सॉल्यूशन क्या? आप बोलोगे एक साइड आप बोले 128GB का लो क्योंकि आपको 100,000 बचाना है, दूसरी साइड आपकी डेटा जो है वो तो काफी बड़ी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम तीन चीजें कवर करने वाले हैं कि अगर आपकी डेटा जो कंप्यूटर में है वो 500GB हो या 1TB हो या 2TB भी हो तो वो 2TB का डेटा आप कैसे 128GB वाले मैक में स्टोर करोगे, और ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा मेरे लैपटॉप पे कि कैसे मैंने कम स्पेस में ज्यादा डेटा स्टोर करके रखी है। दूसरी चीज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैकबुक एक्चुअली कितनी स्टोरेज यूज करता है फॉर सिस्टम फाइल्स। तो अगर आपका स्टोरेज इतना छोटा है उसके वो सिस्टम फाइल्स ही नहीं ले सके तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कितनी सिस्टम फाइल्स लेने वाली है आपकी स्टोरेज और उसके बाद आपको कैसे आपकी बाकी की डेटा स्टोर करनी है उस लैपटॉप में। और तीसरी चीज मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में जिसका आंसर मुझे कहीं नहीं मिला है। जब मैं मैकबुक खरीदने जा रहा था तो मैंने गूगल भाई साहब से पूछा, यूट्यूब बहन से भी पूछा और यहां तक कि एप्पल अंकल को भी पूछा, लेकिन तीनों के पास जवाब नहीं था। इवन एप्पल के एग्जीक्यूटिव जो थे उन लोगों ने भी मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। तो फिर जब मैंने मैकबुक खरीदा उस सवाल का जवाब मैंने ढूंढा और आप लोग के लिए स्पेशली इस वीडियो में लाया हूं सो दैट अगर आप 128GB का मैकबुक खरीदने का सोच रहे हो तो इस सवाल का जवाब आपको जरूर मालूम होना चाहिए। अब वो सवाल क्या है और उसका जवाब क्या है वो आगे आप इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो प्ले कर देता हूं सो दैट आपको टाइम मिल जाए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों 100,000 बहुत बड़ी अमाउंट रहती है, इतना बड़ा अमाउंट अगर आप सेव कर सको तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। लेकिन 100,000 बचाने के लिए आपको 750 रुपए का खर्च करना पड़ेगा, वो ऐसे कि आपको एक iCloud का स्टोरेज खरीदना पड़ेगा जो मंथली 750 आपको पे करना रहेगा, और ये स्टोरेज आप सिर्फ मैकबुक पे नहीं लेकिन आप अपने आईफोन में यूज कर सकते हो, आईपैड में यूज कर सकते हो, आपकी एप्पल वॉच के बैकअप्स भी उस पे जाएंगे, और यहां तक के वो स्टोरेज आपकी पूरी फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो भैया 100,000 से बेटर है कि आप 750 का स्टोरेज खरीद लो और उससे आपकी लाइफ और भी आसान हो जाएगी। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे जिसका आंसर मुझे कहीं पे भी नहीं मिला था पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी में, और वो ये है कि सपोज मैंने 128GB का ले लिया लैपटॉप, लेकिन व्हाट इफ मेरी जो डेटा है मेरे लैपटॉप पे वो इटसेल्फ 500GB की है? तो आप जब पुराने लैपटॉप से नए लैपटॉप में 500GB डालने की कोशिश करोगे तो वो तो ट्रांसफर ही नहीं होगी क्योंकि टोटल कैपेसिटी उस लैपटॉप की तो 128GB ही है। तो मैंने एप्पल से ये पूछा था कि भाई मैं मेरे 500GB मेरे अगर iCloud पे रखना चाहूं तो कैसे रख? तो एप्पल ने बोला कि नहीं नहीं अगर 128GB आपकी कैपेसिटी है तो उससे ज्यादा तो आप लैपटॉप में ही नहीं डाल सकोगे, और अब लैपटॉप में ही नहीं डाल सकोगे तो अपलोड कैसे होगा iCloud पे? लेकिन दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली गलत था। सही इन्फॉर्मेशन ये है कि पहले आप 128GB का जो डेटा है आप अपने लैपटॉप में डाल दीजिए, उसको सिंक्रोनाइज करें आपके iCloud के साथ। एक बार सारी फाइल सिंक्रोनाइज हो जाती है तब आपका लैपटॉप फ्री हो जाएगा 128GB की स्पेस से। अब नेक्स्ट आपको ये करना है कि अगेन जो आपकी दूसरी जो डेटा है 128GB की ऑफ कोर्स माइनस द सिस्टम फाइल का स्टोरेज वो डेटा वापस आपको अपने लैपटॉप में डालनी है एंड अगेन उसको भी अपलोड करना है। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि 2TB की आपकी iCloud अगर स्टोरेज है तो आप इंस्टॉलमेंट में उसको अपलोड करें सो दैट आपका लैपटॉप फ्री होता जाए और आपका iCloud स्टोरेज फुल होता जाए। लेकिन 2TB बहुत डेटा होती है, अगर आप पूरी फैमिली की भी डेटा डाल दो तो भी 2TB नहीं यूज होती है। दूसरा रास्ता ये भी है कि अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप iCloud.com खोलिए ब्राउजर में और वहां जाके आप अपने पुराने लैपटॉप से डेटा एक एक करके अपलोड भी कर सकते हो। और iCloud स्टोरेज का ब्यूटी ये है कि कोई भी डेटा iCloud पे रहेगा वो उतना ही डेटा आपके लैपटॉप पे ट्रांसफर करेगा जितना आप यूज करोगे। सपोज कोई पर्टिकुलर फोल्डर है जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हो
हो तो वो हमेशा डाउनलोडेड रहेगा आपके लैपटॉप पे, लेकिन उसके सामने ऐसा कोई फोल्डर है जो आप महीने में एक ही बार यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली एप्पल इंटेलिजेंटली उसको रिमूव कर देगा आपके लैपटॉप से, लेकिन आईक्लाउड पे रहेगा। तो मोमेंट आप उस फोल्डर को महीने के बाद जब आप डबल क्लिक करोगे तो इमीडिएटली इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके लिए रेडी रखेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया कि जो मेरा क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा था उसका जवाब ये है। और एप्पल की टीम अगर आप सुन रहे हो तो अपने एग्जीक्यूटिव्स को भी ये चीज समझा दो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पास सिर्फ मैं नहीं बहुत सारे लोग लेके आएंगे। तो अगर आपके एग्जीक्यूटिव्स ये इन्फॉर्मेशन जानते होंगे तो आपका नाम नहीं बिगड़ेगा मार्केट में। अब नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको ये दिखा देता हूं मेरे लैपटॉप पे कि कैसे मैंने 500 GB का मेरा हार्ड डिस्क है उसके ऊपर कैसे मैंने 600 या 700 GB स्टोर करके रखे हैं। और इतना ही नहीं, मैं 2 TB तक भी स्टोर कर सकता हूँ इस 500 GB के लैपटॉप पे। तो चलिए दोस्तों टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाक से चलते हमारे लैपटॉप की तरफ। चलो दोस्तों तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको मेरी लैपटॉप की जो कैपेसिटी है वो है 499.96, मतलब 500 GB का ये लैपटॉप है बेसिकली। और इसमें आप देख सकते हो कि 162 GB अवेलेबल है अभी भी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि 500 GB में से सिर्फ रफली 350 GB ही यूज किया है मेरे डेटा ने, जबकि डेटा तो मेरी काफी है। तो आइए देखते हैं कि कितनी डेटा है मेरे लैपटॉप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एप्लीकेशंस ने 12 GB लिया है, डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ मेरा 589 GB का डॉक्यूमेंट्स है पूरा, आईक्लाउड ड्राइव हम नहीं गिनते हैं, मेल्स, मैसेजेस, म्यूजिक, फोटोज, ये सब मिला के टोटल 618.89 GB डेटा है मेरा। तो 618 GB की डेटा है लेकिन फिर भी यूज जो कर रहा है वो सिर्फ 350 GB कर रहा है, और वो इसके वजह से क्योंकि सारी डेटा मेरी जो है वो iCloud पे बैठी हुई है और इस मैक में उतनी ही इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जितनी मुझे डेली बेसिस पे यूज करता हूं मैं। तो दोस्तों इससे एक बात क्लियर हो जाती है, आप भले कितने भी स्टोरेज वाला मैक लो और कितनी भी आपकी डेटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एज लॉन्ग एज आपके पास iCloud ड्राइव हो। अब मैं दिखा देता हूं कि मैंने iCloud स्टोरेज जो लिया है वो 2 TB का लिया हुआ है और इसमें भी 1.32 TB अभी भी अवेलेबल है। तो बेसिकली एप्पल करता ये है कि आपकी जितनी भी स्टोरेज होगी उसको कंप्रेस फॉर्म में iCloud पे स्टोर करेगा, सो आपकी iCloud स्टोरेज भी ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो एंड एट द सेम टाइम आपके लैपटॉप पे भी ज्यादा अवेलेबल आपको स्पेस मिल जाए। और ये सब एप्पल बहुत इंटेलिजेंटली मैनेज करता है। सो कहने का मतलब आप 128 GB भी ले सकते हो, 256 भी ले सकते हो और 500 GB भी ले सकते हो, उससे ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड स्पेशली बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे जो सिस्टम फाइल्स है वो तो ऐसे भी 11 GB से ज्यादा ऐसे भी यूज नहीं करने वाला है। तो अगर 128 GB का भी अगर आप लोगे तो फिर भी आपके पास 117 GB फ्री पड़ा होगा फॉर यूटिलाइजेशन, जहाँ पे आप सब अपने डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, फोटोज ये सब रख सकते हो। और फोटोज की अगर बात करें तो मेरे पास टोटल 30,000 पिक्चर्स और वीडियोस है जो एप्पल ने कंप्रेस करके 4.56 GB में रखे हुए हैं। दोस्तों ये हो गया विथ प्रूफ द फैक्ट कि आप कम स्टोरेज स्पेस वाले लैपटॉप में भी ज्यादा डेटा सेव कर सकते हो। सो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके 1 लाख बच गए हैं और आपको कुछ नया सीखने मिला है इस वीडियो के थ्रू तो आपको पता है क्या करना है, दैट इज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, नीचे जो बटन दिया हुआ है रेड कलर का उस पर क्लिक करना है एंड यू आर डन। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।